Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. We are going for Goa. तो गाइस 3632 में होंडा सिटी हमारी फुल हो गई, जिसमें था ऑलमोस्ट 50-55 का रेंज था, उतने में फुल हो गई। सो अभी देखते हैं कितना किलोमीटर तक जाएगा और कितना रेंज उठता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो गाइस, वो गोवा में मज़ा नहीं अगर आप ट्रेन या फिर प्लेन से जाएं। गोवा हमेशा रोड ट्रिप ज़्यादा अच्छा रहता है, खास करके अगर होंडा सिटी हो जाए या फिर और कोई सेडान लग्जरी हो। चलो गाइस फिर मिलते हैं। और थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बहुत टाइम के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। गाइस अभी 11:30 और हैं, हम लोग निकल गए हैं। और कोरोना के बाद मैंने एक चीज़ देखा है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उतनी गाड़ी है जितनी पहले थी अभी भी। और फिलहाल अभी से ड्राइव कर रहे हैं, अभी फिर जब उसको थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं ड्राइव करूँगा। अभी हम लोग आपको डायरेक्ट दिखाएंगे, अभी तो रात का, ऐसे भी अगर आप देख सकते हो कुछ ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा, सामने हाई बीम है और ये बारिश का अच्छा खासा, मतलब प्रॉपरली बारिश भी नहीं हो रहा, तो बारिश का पानी। 11:25। सो गाइस मुझे आपको ये बोलना था कि मतलब ये जो अभी गोवा है, ये गोवा भी मतलब लोग ऐसा प्लान विन करते रहेंगे कि अब जाना है कल जाना है। हम भी कर रहे थे, शायद एक साल से कर रहे थे, सिर्फ ऐसे बात चल रहा था, बट आज अचानक हम लोग ऐसे एकदम अचानक में निकल गए। मीन्स कोई ऐसा प्लान नहीं था, ये नहीं था, मैं ऐसा बैठा था, मुझे अभिजीत का कॉल आया कि गोवा चलते हैं। तो फिर अभिजीत ने मुझे कॉल किया, बोला गोवा चलते हैं, तो मैंने बोला ओके चलिए। तो गाइज अभी हमने ब्रेक लिया है, मिसल पाव ब्रेक, और ये मिसल पाव चालू है। ये जगह का नाम देखा नहीं, बट हमने ये देखा, फूड कॉर्नर तो हम आ गए खाने के लिए। ये 60 रुपीज़ का एक प्लेट है और हम लोग ने एक्स्ट्रा कुछ पाव ही दिया। अभी आपको रात को अगर ऑलमोस्ट कितना बज रहा है, 2 AM 3 AM कितना हो रहा है, 3 AM राइट, 3 AM हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर आपको ये भी मिल गया तो मेरे ख्याल से काफ़ी होता है। ऐसी भीड़ भी है इधर और अच्छा खासा स्पेस है। सो चलो अभी मैं भी इंजॉय करता हूँ, ये लोग खाना चालू कर दियो, मुझे भी बहुत भूख लगा है, तो आपको मिलते हैं खाने के बाद। It's 6:30 AM और मैं जस्ट अभी एक पावर नैप लेके उठा और आप देख सकते हो मेरे सामने ये नज़ारा है, इतना इतना ही खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। ये आप खुद देख सकते हो, वहाँ पे मॉर्निंग और यहाँ पे डार्क है, और हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। फिलहाल तो मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है ड्राइव कर करके, हम गोवा कब पहुँचेंगे यही समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ 6:18 हो रहा है और हमने कुछ नज़ारा देखा जो मैं चाहूँगा आप भी देखो। गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है, मतलब लिटरली मैं यहाँ से तो मैं मेरी नज़र नहीं हटाऊँगा, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही क्लिप दिखा सकता हूँ। ऑफकोर्स आप भी उतना लंबा देखोगे नहीं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। सकते हो रास्ता कैसा है, अगर आपने टेस्ट नहीं करा कोरोना का, और अगर आपको गोवा आना है तो आपको ऐसे जंगल सफारी करके आना होगा एकदम अंदर ही अंदर से, और आपको एक लोकल गाइड भी लेना पड़ेगा। प्राइवेसी के कारण लोकल गाइड आपको दिखा नहीं सकते, बट आपको अपना कहीं से झोल करना पड़ेगा, वो तो हम कर लिया, अब आपकी बात अलग होगी, आप कर पाओ ना कर पाओ। खास करके अगर आप गोवा जा रहे हो तो गाड़ी लेकर न जाना ना, बहुत देख सकते हैं आप, इधर रास्ता भी नहीं है, पहाड़ के हम कोई मैदान में चल रहे हैं, बस घूमे जा रहे हैं, कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं। सो गाइस गोवा आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कितना किलोमीटर भी बाकी है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो
हम लोग इधर ये गोवा के पता नहीं कौन से हिस्से में आए हैं, बट इधर ये बहुत गहरी खाई है, आप देख सकते हो बहुत बहुत गहरी खाई है। यहाँ पे ये मैगी का स्टॉल भी है और आप देख सकते हो ये पूरा फॉग, बादल, धुआं जो भी है बहुत मस्त है, मज़ा आ रहा है। और एक बात, हमें वापस से इधर पे टेस्ट के लिए पूछा बट इधर से हमने तो ये अम्बोली धबधबा, अम्बोली वाटरफॉल आप देख सकते हो, ये देखो हम लोगों ने स्टूडियो तो गाइस हमें इधर रोक लिया गया, आप देख सकते हो हमारी गाड़ी इधर खड़ी है और ये पुलिसमैन के द्वारा फाइनली हमें टेस्ट कराना पड़ा जिसका कॉस्ट 250 था पर पर्सन, करा लिया गया। अब क्या करें, आगे भी काम आता, हम होटल होटल में रुकते थे वहाँ पर गन टाइम फुल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम गोवा पहुँच चुके हैं, कुछ 30 km या 20 km है गोवा पहुँचे, वहाँ से हम बुढ़े हो गए और गोवा का वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है और मुझे बहुत ज़ोर से भूखी लग रही है। देख लो टाइम, देख लो गोवा 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 कब पहुंचेंगे मोदी जी, कब? हाँ गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह के 7 बजे ऑब्वियसली गोवा तो पूरा बंद ही हो जाता है, इधर 2-3 बजे तक मज़े चलते हैं, पार्टी वीटी होती है, ड्रिंक करते हैं लोग, तो यहाँ 7 बजे एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कुत्ता भी रास्ते पे दिखाई देगा क्योंकि यहाँ के कुत्ते भी फुल इंजॉय करके सो रहे थे। हम तो कल बहुत लेट आए, खाना खाए और हम लोग में तो बोलते ना चलने तक की हालत नहीं थी, तो हम सो के जस्ट मैं उठाऊँ फिलहाल, अभी बाकी सब को सोए, अभी थोड़ा उठेंगे, ये साइड बीच है और यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। आप यहाँ से देख, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से मुझे मेरे दिख रहे हैं आंखों से, यहाँ पे बीच है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस हम लोग अभी आ गए बीच पे, मैंने ऐसा बोला था हम लोग बाबा धूप, हम लोग अभी जस्ट सुबह सुबह उठे क्योंकि हम ड्राइव करके पूरा थक गए थे, तो कल रात का कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग ने खाना वीना खाया, थोड़ा इधर पे घूमा फिर सो गए और कुछ वर्थ इट नहीं लगा था वो टाइम पे ये करना। अभी जस्ट हम सुबह उठे तो आप ऑफकोर्स बीच तो ले सकते हो और इसका आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा शॉट्स भी मिल रहा है। रात को यहाँ पे बैठे थे तो हम देख रहे थे कि मीन्स लोग है ना हुक्का विक्का सब कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, तो उसका मैंने देखा तो उसका कुछ हुक्के का था 600 कॉस्ट था कुछ, शायद ये ऑफ सीज़न है तो 600 बढ़ भी सकता है अगर आप सीज़न में आओगे जो कि है दिसंबर नवंबर ऑलमोस्ट जैन, तब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने इधर खाया नहीं था एक्चुअली, इधर के मेन्यू में बीफ था तो हम नहीं खाते, तो इसलिए हमने इधर नहीं खाया था, हमने और एक जगह खाया था, वो जगह भी अच्छा था बट ठीक था, हम लोग थके थे इसलिए हम लोगों ने शूट नहीं किया। अभी फ़िलहाल हम लोग सोच रहे थोड़ा भीगेंगे बट आप सच बोल रहे हो इधर पे कोई नहीं भीग रहा, उधर बस एक लोग बैठे उधर बोलो थोड़ा सा सब भीग रहे, बाकी इधर कोई नहीं भीग रहा, पूरा खाली है, पता नहीं इसने जीप अंदर कैसे लाया, ये जीप व्यूप चला रहा है और कुछ ऐसा अभी मतलब बोलते ना कोई नहीं इधर, कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर आप पर्सनली अभिजीत से भी पूछोगे तो वो खुद बोलेगा अभी आना ठीक नहीं रहेगा, सबसे बेस्ट है दिसंबर में आ पाओ। सो गाइस अभी हम लोग आए अभिजीत का टैटू कराने, अभिजीत कर रहा है टैटू, ये देखो चलो थैंक यू बाय, या नेक्स्ट सैटरडे आ रहे हैं अभी वापस से। तो गाइस अभी हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं, मुंबई नहीं थाने के लिए, थाने अलग है, तुम लोग क्या उसको मुंबई मुंबई कर रहे हो, इसलिए सुना के बैंड्रा बोला। और आप देख सकते हो इसका टैटू पूरा किधर गया है, गायब हो गया इसका। नाश्ता, सबका नाश्ता चालू है, मिसल पाव
और ये नज़ारे पे नाश्ता करें, आई स्वेयर कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो एकदम प्रॉपर होगा और अच्छा होगा। ये तो हम सिर्फ जानने आए थे क्या कैसे क्या कैसा प्राइस भी जैसा काइंड ऑफ यू कैन से ट्रायल वीडियो था ये। नेक्स्ट वाला ज़्यादा परफेक्ट वीडियो होगा, इससे ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा हम ये करेंगे मतलब एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो गोवा बहुत लोग ने एक्सप्लोर कर लिया, हम पर्सनली अपने हिसाब से करेंगे। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी हम लोग तो निकल गए ऑलमोस्ट अपने घर के लिए, मिलते हैं, बाय।